विक्रम सिंह डुमोलिया, अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर मिशनरीज विद्यार्थी एसोसिएशन। आज मैं मेवात के लोगों की, मेवात के आवाम की जो आवाज़ है उसको बुलंद करने के लिए इस बार प्रेस वार्ता का आयोजन हम कर रहे हैं। शहीद हसन खान मेवाती कॉलेज का स्थापना का उद्देश्य ये था कि यहाँ के लोगों को अच्छा स्वस्थ अच्छा जीवन दे सकें, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है यहाँ पर जो निदेशक पिछले 2 साल से नियुक्त है स्थायी तौर पर, वह स्थायी नियुक्ति नहीं हुई है और इस कारण यहाँ एक भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा अड्डा बन गया है। मेवात के लोगों के लिए करोड़ों की लागत से बनाया गया शहीद हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज बुनियादी सुविधाओं से जूझ रहा है, जिसकी तरफ ना तो सरकार का ध्यान है और ना स्थानीय नेताओं का। नल्हड़ मेडिकल कॉलेज में एक नहीं दो नहीं बल्कि अनेकों ऐसी समस्याएं बरकरार हैं जो कई वर्षों से पूरा नहीं हो पा रही हैं। मेडिकल कॉलेज में पिछले करीब 5 महीने से अल्ट्रासाउंड तक की मशीन खराब पड़ी हुई है। आलम यह है कि अधिकतर मरीजों को दिल्ली के लिए रेफर किया जा रहा है। खास बात तो यह है कि ना तो नल्हड़ मेडिकल कॉलेज के पास स्थायी मान्यता है और ना स्थायी डायरेक्टर। सुविधाएं मिलना तो दूर की बात है। शुक्रवार को नूह की अनाज मंडी में पत्रकार वार्ता में डॉक्टरों ने इस मामले को मीडिया के सामने उजागर किया है। इस पत्रकार वार्ता में डॉक्टरों ने मीडिया के सामने कई बड़े राज भी मेडिकल कॉलेज के उजागर किए हैं। मैं डॉक्टर गुलशन प्रकाश, अंबेडकराई डॉक्टर्स एसोसिएशन एवं डॉक्टर अंबेडकर मिशनरीज एम्प्लाई स्टूडेंट एंड डेप्राइड पीपल सोसाइटी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज हमारी जो ये एसोसिएशन ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, इसका जो मुद्दा है वो शहीद हसन खान मेवाती गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जिसको बने 6-7 साल हो चुके हैं लेकिन उसको अभी तक स्थायी मान्यता नहीं मिली है। हमारा बड़ा गंभीर आरोप है कि चेस्ट एंड टीबी जो डिपार्टमेंट है और इसके साथ साथ जो डेंटिस्ट्री विभाग है, उसमें पोस्टें खाली होते हुए भी यहाँ की जो कार्यवाहक डायरेक्टर रिक्रूटमेंट विभाग ने पोस्टें नहीं निकाली, जिसके कारण मेडिकल कॉलेज में सीटें खाली पड़ी थी, तो सीटें नहीं निकालने से मान्यता खतरे में आ गई है। इसी के साथ साथ कुछ विभागों में HCMS के डायरेक्टर डॉक्टर काम कर रहे हैं, उनको चार्ज देकर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की मान्यता ली जा सकती थी, उनको समय रहते कार्यवाहक डायरेक्टर ने मान्यता उनको चार्ज नहीं दिया, जिसके कारण मेडिकल कॉलेज की मान्यता खतरे में आ गई है। इसी के साथ साथ अभी विगत में जो अनुसूचित जाति की जो सीटें हैं उनको डी रिजर्व करा लिया है गवर्नमेंट को, झूठे आंकड़े भेजकर कि MCI की कमी है। हमारे पास पुख्ता सबूत है कि MCI के आंकड़ों की कोई भी कमी नहीं है, जिसके कारण डी रिजर्व करवाने की नौबत आती। इसी के साथ साथ जो कार्यवाहक डायरेक्टर है, रोज की रोज सरकारी गाड़ी से रोज गुरुग्राम से अप डाउन कर रही है, जो कि गंभीर मामला बनता है। वो इंटाइटल ही नहीं है कि इस प्रकार गाड़ी का यूज करने का, और ना ही अपने हेडक्वार्टर पर रहती है। इन्हीं मामलों को लेते हुए आज हमने यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, जिसके पुख्ता सबूत हमारी एसोसिएशन के पास हैं। क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि जो सरकार ये कहती है कि भाई हम भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन चाहते हैं, हम पिछले करीब 2 महीने से मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन सरकार कोई एक्शन ही नहीं ले रही है। केवल यूं ही भाई वो अपना रोज की रोज गाड़ी से अप डाउन कर रही है, मेडिकल कॉलेज की मान्यता खत्म है, अल्ट्रासाउंड की 5 महीने हो गए, मशीन खराब है, इसी के साथ मरीजों के लिए कैंटीन नहीं है। अभी हमने जब शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का मामला उठाया, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खुलवाने के बजाय उसका बोर्ड तक उतार दिया गया। तो हम इन मामलों में चाहते हैं कि सरकार कुछ ना कुछ संज्ञान ले, ताकि मेवात की जनता को कुछ फायदा हो सके। इस रेफरल जो मेडिकल कॉलेज केवल रेफरल सेंटर बन के रह गया है। हमने माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार को, हमने माननीय स्वास्थ्य मंत्री हरियाणा सरकार को हमने पत्र लिखे हैं, जिस पर हेडक्वार्टर संबंधित भी हमने पत्र लिखे हैं, जिन पर अभी इंक्वायरियां शुरू होनी हैं। क्या आपको लगता है इन पे जो आपने शिकायतें दी हैं उन पे कार्रवाई होगी या कुछ अन्य बात सामने? हमें सरकार पर भरोसा है, लेकिन ये कब होगी ये समझ में नहीं आ रहा है। हम पिछले 2 महीने से लगातार चिट्ठियां लिख रहे हैं। आज हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का भी यही मकसद है कि सरकार जागे। अरे मेवात की जनता को जो जिला केवल जिले का नाम बदलने से सुविधाओं पर असर नहीं पड़ेगा, इसको मेवात से नूह तो बना दिया गया है, लेकिन यहाँ के मेडिकल कॉलेज को जब तक मान्यता नहीं मिलेगी तब तक समस्याओं का समाधान होने वाला नहीं है। विक्रम सिंह डुमोलिया, अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर मिशनरीज विद्यार्थी एसोसिएशन। आज मैं मेवात के लोगों की, मेवात के आवाम की जो आवाज़ है उसको बुलंद करने के लिए इस बार प्रेस वार्ता का आयोजन हम कर रहे हैं। शहीद हसन खान मेवाती कॉलेज का स्थापना का उद्देश्य ये था कि यहाँ के लोगों को अच्छा स्वस्थ अच्छा जीवन दे सकें,
लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है यहाँ पर जो निदेशक पिछले 2 साल से नियुक्त है स्थायी तौर पर, वह स्थायी नियुक्ति नहीं हुई है और इस कारण यहाँ एक भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा अड्डा बन गया है। जो मेडिकल काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार इसकी स्थायी मान्यता को भी बड़ा खतरा बन गया है। जो मेवात के आवाम के लिए जो मेडिकल शिक्षण संस्थान खोला गया था उसको बंद कराने के कगार पर है। अनुसूचित जाति की जो पोस्टें थी उनको डी रिजर्व किया गया है और आप देख रहे हो कि पिछले समय से हमारी डॉक्टर एसोसिएशन इस मुद्दे को उठा रही है कि यहाँ की जो निदेशक है वो अपना हेडक्वार्टर मेंटेन नहीं करके और रोज़ गुड़गावा से अप डाउन कर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा जो मामला ये जो आता है, मैं आपके संज्ञान में डालता हूँ, हमारी डॉक्टर एसोसिएशन के जो प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर गुलशन प्रकाश ने इस मुद्दे को उठाया है तो आवाम ने भी आवाज़ उठानी शुरू कर दी है। तो उस निदेशक ने डॉक्टर गुलशन प्रकाश की जो डेपुटेशन है उसको रद्द करने के लिए चिट्ठियाँ लिखनी शुरू कर दी है। लेकिन हम अपने संगठन के माध्यम से बता देना चाहते हैं, हम ना तो किसी से डरने वाले हैं ना घबराने वाले हैं। इस प्रकार के भ्रष्टाचार का हम पुरजोर विरोध करेंगे और इसका खुलासा करेंगे। आज तो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं मेवात के आम आवाम के लिए, अगर हमें रोडों के ऊपर पत्र उतरना पड़ा तो हम उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। आज हम पत्रकार साथियों के माध्यम से, ये बड़ा ही गंभीर विषय है क्योंकि हमने मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, यहाँ के हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी को और जो अपने PGI को कुलपति रजिस्ट्रार को हमने लिखित में शिकायत बार बार दे चुके हैं। अब हमने देखना कि भाई सरकार इस पर क्या कार्रवाई करती है। अगर सरकार इसमें देरी करती है तो हमारा संगठन इस पर देरी नहीं करेगा। एक मेवात के अंदर एक बहुत बड़े आंदोलन का रूप आज की ये प्रेस वार्ता लेने जा रही है साथियों।